Hi everyone, good evening and welcome to the session. Today we're going to talk about the common mistakes that students make when they are preparing for CLAT. Actually, ये topic हम अभी इसलिए discuss कर रहे हैं क्योंकि कई बार क्या होता है ये सारी strategy sessions आते हैं end में, जब हमारे exam में एक महीना बचा है, दो महीना बचा है, तो हम अपनी strategy को वैसे भी change नहीं कर सकते क्योंकि अब तो it's too late, right? So therefore, I want to tell you the mistakes जो बच्चे बहुत late realize करते हैं and then they can't do much about it. So I want to tell you those mistakes now. Maybe if you are making these mistakes, stop making them, work on them, improve them so that you have better chances of getting a good rank in the CLAT examination. Before we move on, subscribe to the channel, hit the press icon, hit the bell icon, and make sure that you do not miss any of the videos in the series, as well as you do not miss any of the videos on the YouTube channel, Unacademy CLAT. Now, if you have no idea about the Unacademy Learning app, before I move on to the video, let me just quickly tell you about it. So you can install the Unacademy app for free on the Play Store or on the iOS Store, and वहाँ से जब आप उस app को install करते हो, CLAT category खोलेंगे, आपको बहुत सारी क्लासेस दिखेंगी जिनको स्पेशल क्लासेस बोलते हैं, जहाँ पे क्लैट की फ्री में काफी सारी पढ़ाई है, प्रैक्टिस सेशंस हैं, एक्सेट्रा, क्विजेस हैं, बहुत सारे अनलिमिटेड क्विजेस हैं जो फ्री में होते हैं, उनको हम लॉन्च करते हैं. संडे को चैंपियनशिप मॉक टेस्ट होता है, वो टेस्ट आप ले सकते हो. नेशनल मॉक टेस्ट होता है, एंड देयर आर लाइक मेनी टीचर्स अवेलेबल. बट जब आप बिल्कुल सीरियस हो अपनी प्रिपरेशन के लिए और आप ये सब एक्सप्लोर कर चुके हो एंड नाउ यू आर लाइक ओके आई वांट टू गेट टू माय प्रिपरेशन एंड आई वांट टू स्टार्ट इट वेरी सीरियसली, तो फिर उसके लिए आपको एक प्रॉपर प्लानिंग, एक प्रॉपर कोर्स की जरूरत पड़ती है जो एक फुल ऑन कोचिंग की तरह होता है, जहाँ पर आपकी क्लासेस, डाउट सेशन, मॉक टेस्ट, क्लास का एनालिसिस, आपके एजुकेटर्स से बात करना, बहुत सारे टेस्ट देना, आपके जो एजुकेटर्स हैं वो अलग अलग कॉलेजेस के एलुमनाइज हैं, जैसे आई एम ए ग्रेजुएट ऑफ एनएक्यू पटियाला, एंड वी सी मेनी ग्रेजुएट्स ऑन मेनी पीपल ऑन अनअकैडमी हु ग्रेजुएटेड फ्रॉम बैंगलोर, भोपाल, जोधपुर, लखनऊ, एक्सेट्रा, लाइक ऑल द टॉप 10 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज. So and you can of course download the class, अगर की क्लास मिस करी है तो उस क्लास की रिकॉर्डिंग देख सकते हो, सो यू गेट अ लॉट ऑफ फ्रीडम. और जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप एक बैच में आप अनअकैडमी के सारे बैचेस और पूरा प्लेटफॉर्म देख सकते हो. सो बेसिकली यू आर प्लेइंग फॉर द होल प्लेटफॉर्म, नॉट जस्ट वन बैच. बाय द वे, क्लैट 2022 का नया बैच 8 सितंबर को स्टार्ट हो रहा है. इट्स अ वन ईयर बैच. इट इज वन ईयर बैच में हम 2022 के लिए पूरी प्रिपरेशन करेंगे, जिसमें साथ में आपको करंट अफेयर्स के और जीके के मंथली कंपेंडियम्स भी मिलेंगे, एंड इसके बहुत सारी मॉक टेस्ट प्लस पूरा थ्योरी, प्रैक्टिस क्वेश्चन, रिवीजन, एवरीथिंग. जब तक पेपर नहीं हो जाएगा ये बैच तुम्हें पढ़ाता रहेगा. सो यू आर गेटिंग सम अमेजिंग एजुकेटर्स फ्रॉम डिफरेंट नेशनल यूनिवर्सिटीज आल्सो इन दिस बैच. सो 8 सितंबर इस बैच में जब आप सब्सक्रिप्शन लो तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा जब आप कोड यूज करोगे एनएलयू लाइव. एट द सेम टाइम ध्यान रखना कि आफ्टर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, लाइक फ्रॉम एंड ऑफ सेप्टेम्बर, प्राइजेस हाइक होने वाले हैं ये सारे बैचेस के. तो अभी अगर आपको वन ईयर सब्सक्रिप्शन 17,000-18,000 में मिल रहा है तो ये आपको फ्यूचर में नहीं मिलेगा इस प्राइस में. तो मेक श्योर कि आप इन सारे बेनिफिट्स को यूज कर लो. Similarly, 2023 जो टू ईयर बैच है इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 10th ऑफ सेप्टेम्बर, एंड अगेन आपका पूरा प्रिपरेशन होगा जब तक आप एग्जाम ले नहीं दोगे तब तक. सो रिमेम्बर जो 24 मंथ सब्सक्रिप्शन है, दैट इज टू ईयर सब्सक्रिप्शन, वो 28,000 का है. बट जब आप एनएलयू लाइव कोड यूज करते हो तो ये सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कम हो जाता है, ये अप्रॉक्सिमेटली 24,000 हो जाता है. एंड सिमिलरली वन ईयर सब्सक्रिप्शन भी 19,200 है. जब आप लॉ 100 कोड यूज करते हो तो ये 17,000 का हो जाता है. आप 18 मंथ सब्सक्रिप्शन या 6 मंथ सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो और इन सब पे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा जब आप एनएलयू लाइव कोड यूज करोगे. तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन आता है पेमेंट से पहले कोड अप्लाई करने का, तो उधर आपको एनएलयू लाइव लिखना है, इसको अप्लाई करना है, तो ऑटोमेटिकली ये सारे प्राइसेस चेंज हो जाएंगे एंड देन यू कैन कंटिन्यू विद पेमेंट. पेमेंट पे यू हैव ऑप्शंस फॉर ईएमआई एंड एवरीथिंग एल्स. Now, quickly let's move on to this. And yes, as I've told you, price hike होने वाला है. तो price hike हो उससे पहले make the use of these benefits, because फिर ये price तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिलेगा. Alright, so हम बात करने वाले हैं वो सारी common mistakes की जो बच्चे करते हैं, और ये काफी important session होने वाला है. So stay till the end of the session. And Unacademy पर जितनी भी special classes होती हैं, वहाँ पर Unacademy का app install करके देख सकते हो, plus YouTube classes देख सकते हो. Free और plus batches में difference है. Free और plus batches में ये difference है कि प्लस में सारी चीजें शेड्यूल्ड होती हैं, एक प्रॉपर सिस्टम होता है, एक प्रॉपर तरीके से क्लासेस करी जाती हैं, और जो फ्री क्लासेस हैं चाहे अनअकैडमी पर हो या यूट्यूब पर हो, वहां पर एक प्रॉपर शेड्यूल नहीं है. तो कंप्लीट कोचिंग की नहीं है जब तक आप वो
पेड कोर्सेज नहीं लेते हो. सो ओके, सो नंबर वन मिस्टेक दैट यू पीपल मेक इज भाई तुम्हें तो सिलेबस ही नहीं पता होता. मैं जब तुम लोग ना कहीं से भी पढ़ना चालू कर देते हो, मतलब चाहे तुम मेरी क्लासेस से पढ़ रहे हो पर जरा सिलेबस तो पता करके आओ. तो तुम किसी भी YouTube चैनल पे ऐप पर कुछ भी कोचिंग भी ले लेते हो पर तुम्हें सिलेबस खुद नहीं पता होता. तो फर्स्ट स्टेप इज प्लीज गो टू द क्लैट कंसोर्शियम वेबसाइट व्हिच इज कॉल्ड consortiumofnlu.ac.in. गो टू दैट वेबसाइट, चेक आउट द सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एक्सेट्रा. And then get some basic info about the CLAT examination. So basically, आपका legal, English, current affairs, GK, quantity and logical reasoning ये पांच sections होते हैं exam में. English में CLAT की अगर मैं बात करूँ, बाकी के logical exams को इस वक्त ignore कर रही हूँ मैं. तो अगर मैं सिर्फ CLAT की बात करूँ तो English में reading comprehension के पांच छह passages आते हैं, उनमें से questions पूछे जाते हैं. Legal में भी आपको comprehension के passages ही मिलते हैं, that means reasoning, reasoning भरी होती है legal में. Aptitude के questions नहीं पूछते, direct question, rectification नहीं पूछा जाता, पैसेज आता है लीगल में, उसी के बेसिस पे आपको पढ़ के क्वेश्चन समझ के आंसर देना होता है. लॉजिक में भी पैसेजेस आते हैं या फिर कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पर भी आपकी एनालिटिकल एबिलिटीज या क्रिटिकल एबिलिटीज इंपॉर्टेंट है, कुछ रटने वटने का काम नहीं है. क्वांट में दैट इज बेसिक मैथमेटिक्स, उसको समझ लोगे तो अच्छे से स्कोर कर लोगे, तो ये आपकी हाई रैंक में काफी इंप्रूवमेंट देगा. क्योंकि बहुत से बच्चे जो मैथ से डरते हैं वो सोचते हैं कि हम मैथ्स नहीं पढ़ेंगे तो हमारा क्लैट निकल जाएगा. हाँ क्लैट निकल जाएगा, लेकिन अगर टॉप 100, 200 या 300 रैंक की उम्मीद भी कर रहे हो तो फिर मैथ्स भी तुम्हें कवर करना पड़ेगा. और फिर बहाने क्यों बनाने जब अपने पास एक साल या दो साल का टाइम है अभी, तो फिर ये क्यों बोलना कि हमारा मैथ्स वीक है, जब 10th तक का मैथ्स आ रहा है और इंडिया के सारे स्कूल में 10th तक का मैथ्स कंपलसरी था, तो फिर इतना तो आप कर ही लोगे. एंड लास्ट करंट अफेयर्स एंड जीके. तो जो क्लैट का नया पैटर्न है वहाँ पे जीके के पुराने क्वेश्चन नहीं आते, वो रट्टाफिकेशन वाले, अकबर, हुमायूं, बाबर, इंडस वैली सिविलाइजेशन, दुनिया में कितने कंट्रीज हैं, उनकी क्या कैपिटल है, एक्सेट्रा. करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको पढ़ना है मई जून 2021 से लेके मई जून 2022 तक का, ये 12 महीनों का करंट अफेयर्स. तो इस करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए ऑफकोर्स आपको अनअकैडमी की क्लासेस अटेंड करनी है, अनअकैडमी के जीके और करंट अफेयर्स के कंपेंडियम को डाउनलोड करना है. साथ ही साथ प्लीज रोज न्यूज पेपर पढ़ना है, दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर करंट अफेयर्स. अपने खुद के नोट्स बनाओ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. अच्छा, अब जो जीके वाला पोर्शन है, जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन है, वो क्लैट में बस इतना सा है कि अगर करंट अफेयर्स में कोई चीज है जो बहुत हाइलाइटेड है, जो बहुत ज्यादा न्यूज में चल रही है, तो उससे रिलेटेड थोड़ा सा जीके भी तुम याद कर सकते हो. फॉर एग्जांपल अगर अफगानिस्तान इस साल का करंट अफेयर्स है, तो फिर अफगानिस्तान, यूएस, अफगान प्रेसिडेंट कौन था, तो उससे अफगान से रिलेटेड भी तुम थोड़े से नोट्स बना सकते हो स्टैटिक जीके के. सो दैट इज ऑल. इसके अलावा अगेन रिमेंबर, इफ यू वांट टू टेक the subscription, join the batches, तो फिर यू कैन यूज द कोड एनएलयू लाइफ फॉर 10% डिस्काउंट. सो ये तुम्हारा रफली वेटेज है सारी चीजों का. तो तुम देखोगे कि सबसे ज्यादा वेटेज है ऑफ कोर्स लीगल का, एंड देन उसके अलावा वेटेज है आपके करंट अफेयर्स का. तो अगर मैं एक रफ वेटेज की बात करूं, सो आपका लीगल अप्रोक्सीमेटली 40, जीके अगेन अप्रोक्सीमेटली 40, क्वांट 10 to 15, लॉजिक अप्रोक्सीमेटली 30-35 समटाइम्स, एंड इंग्लिश अप्रोक्सीमेटली 30. सो ये कुछ थोड़ा थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, बट आपका टोटल स्कोर है 150 क्वेश्चंस आते हैं, और आपके पास टाइम होता है 120 मिनट्स. दैट मींस स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हिच ब्रिंग्स मी टू वन ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स दैट स्टूडेंट्स मेक. आई हैव रिटन इट समवेयर, वेयर इज इट, या mistake number 3, not working on improving the reading speed. So I will come back to it. So first mistake is that you people are unaware of your own strengths and weaknesses. मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने कहा आपको पता ही नहीं, आपको सिलेबस नहीं पता, पैटर्न नहीं पता, आपको पुराने क्वेश्चन पेपर के दर्शन नहीं करें, आपको पता ही नहीं किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देखो. मुझे पता है अभी आपका पूरा सिलेबस नहीं हुआ, बट एक बार क्लैट 2020 या क्लैट 2021 का ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देखो. जब उसको सॉल्व करके देखोगे तो आप रियलाइज करोगे कि अच्छा मुझसे ये बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आती है, ये नहीं आ रही है, अरे ये तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसको तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, ये मुझे बहुत डिफिकल्ट लग रहा है. जरा खुद को एनालाइज करो, उसके बाद आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से प्लान कर पाओगे. तो ऐसे मतलब यू नो शीप की तरह, गोट्स की तरह, एनिमल्स की तरह जो सब कर रहे हैं वही हम फॉलो कर रहे हैं, ऐसी रैट रेस में नहीं लगना है आपको. यू हैव टू हैव अ प्लान दैट इज स्पेसिफिकली सूटेड टू योर नीड्स एंड योर गोल्स. उसके साथ साथ हैविंग यू नो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस. तो गलती करते हो आप लोग, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हो. क्लैट से 2 महीने पहले क्लैट की तैयारी शुरू करते हो, बोल दो हम क्लैट निकालेंगे, बेटा ऐसे नहीं निकलता, इतना आसान नहीं रहा है वो जमाने. ठीक है, अभी क्लैट के लिए पढ़ना पड़ता है 6 महीने कम से कम,
छह महीने हर हाल में पढ़ना पड़ता है क्लैट के लिए, और अगर आप थोड़ी भी समझदार हो तो आप कम से कम एक साल या दो साल पढ़ोगे क्लैट के लिए। सो दिस इज वन थिंग, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं कि हम क्रैश कोर्स करेंगे और हम EIR 1 लाएंगे, हम क्रैश कोर्स करेंगे हम टॉप 100 में रैंक लाएंगे, इट डजंट वर्क लाइक दैट। एंड सेकंडली, जो भी कुछ टाइम टेबल प्लान बनाया है उसको फिर रिलीजियसली फॉलो करो, मोटिवेशन इधर उधर मत ढूंढो, डिसिप्लिन से मोटिवेशन आता है, स्टे डिसिप्लिन्ड एंड यू नो यू विल ऑटोमेटिकली फॉलो इट डेली देन। एंड छोटे छोटे गोल्स से शुरू करो, जरूरी नहीं है 6 घंटे से स्टार्टिंग करो, आप 3 घंटे से स्टार्टिंग करो, जब उस गोल को अचीव करो तो फिर धीरे धीरे पढ़ने का टाइम रोज बढ़ा देना। एंड नेक्स्ट इज कि जब आप पढ़ोगे ना, सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन अगर सब कुछ होता है तो लोगों का बस एक बार IAS सिलेबस खत्म करके पेपर निकल जाता है, पर 5-5 साल जब देते हैं नहीं निकलता। जेई हो या नीट हो, ऐसे बहुत से लोग हैं जो क्लैट दो दो बार में भी नहीं निकाल पाते, क्यों? क्योंकि उनकी प्रिपरेशन में इस तरह की स्ट्रैटेजिक मिस्टेक्स हो रही होती हैं, उनको बीच बीच में ये नहीं समझ आ रहा होता अरे हमारा मॉक स्कोर कम आ रहा है अब हम क्या करें, रीडिंग स्पीड कम है हम क्या करें, इंग्लिश में हमें सब आता है अच्छा स्कोर करते हैं पर मॉक में जरूर खराब स्कोर करते हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? तो कोई मेंटर चाहिए आपको जो आपको गाइड करे। अगर आप अनअकैडमी प्लस के स्टूडेंट हो तो मैं हूँ और बाकी के जितने भी एजुकेटर्स हैं वो सब आपके मेंटर हैं, वो सब आपको गाइड करेंगे, आप हमसे जब चाहे तब अपनी प्रिपरेशन रिलेटेड भी पूछ सकते हो प्योर एकेडमिक डाउट्स के अलावा। सेकंड है कि आप सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज पर फोकस करते हो, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो दिन भर करंट अफेयर्स ही पढ़ते हैं और कुछ नहीं पढ़ते हैं, तो करंट अफेयर्स पढ़ना है बिल्कुल, करंट अफेयर्स का वेटेज है, करंट अफेयर्स बहुत सारा है, आई नो उसको याद करने में टाइम लगता है आई नो, बट यू हैव टू मेक अ बैलेंस। तुम रोज 1 या 1.5 घंटा करंट अफेयर्स को दो, 2 घंटे देना है रोज, 2 घंटे करंट अफेयर्स को दो, पर एक ना एक दूसरा सब्जेक्ट भी रोज पढ़ो। तो आज आपने करंट अफेयर्स इंग्लिश और लॉजिक पढ़ लिया मंडे को, तो ट्यूसडे को करंट अफेयर्स लीगल और मैथ्स पढ़ लो, तो करंट अफेयर्स डेली पढ़ो, मैं मना नहीं कर रही, पर उसके साथ बाकी के सब्जेक्ट्स को भी पढ़ते रहना, ऐसा मत करना कि हम सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ते हैं बाकी सब तो हम क्लासेस के भरोसे छोड़ देते हैं, तो दिस इज इम्पोर्टेंट। अच्छा दूसरी बात, करंट अफेयर्स वगैरह के लिए जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिन पर फ्री में आपको कंपेंडियम्स मिल जाते हैं या जिनमें आपको नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, ध्यान रखना वो सारी वेबसाइट UPSC की वेबसाइट्स हैं, वो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करा रही है, वो क्लैट के लिए प्रिपेयर नहीं करा रही है। यूपीएससी का करंट अफेयर्स का और जीके का सिलेबस बहुत वास्ट है, आपका करंट अफेयर्स और जीके का सिलेबस बहुत ही नैरो है और वो टू द पॉइंट है, और वो टू द पॉइंट में वो वाली चीजें हैं जो लॉ से रिलेटेड है, पॉलिसी से रिलेटेड है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी से रिलेटेड है एक्सेट्रा, तो वो सारी न्यूज ढूंढना कि मैम कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है क्लैट के लिए, उसके लिए यू हैव टू बी अ प्लस स्टूडेंट। जब आप प्लस स्टूडेंट होते हो तो मैं आपको टेलीग्राम पे प्लस ग्रुप में ऐड करती हूँ, वहां पर मैं न्यूज पेपर शेयर करती हूँ हाईलाइटेड कि भाई ये न्यूज इंपॉर्टेंट है आज की, तुम्हें ये पढ़नी है, तो आई शेयर द पीडीएफ ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर एवरी सिंगल डे। थर्ड आई ऑफ कोर्स ये मैंने शुरू में थोड़ा सा मेंशन करना रीडिंग स्पीड, क्योंकि यार 150 क्वेश्चंस करने हैं तुम्हें 120 मिनट्स में, तो तुम्हें 1 मिनट से भी कम टाइम मिल रहा है सारे क्वेश्चंस को करने के लिए, ऑन टॉप ऑफ दैट बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ पैसेजेस हैं, इंग्लिश का पूरा सेक्शन पैसेजेस होगा, लीगल में पैसेजेस, लॉजिक में पैसेजेस, तो तुम्हें अपने पेपर में कम से कम 10 पैसेजेस मिलेंगे और वो पैसेजेस की लेंथ ठीक ठाक होगी, बहुत छोटे भी नहीं होंगे वो, तो उनको पढ़ना और उसके बाद 120 क्वेश्चंस भी सॉल्व करना, दैट इज अ टास्क। तो अगर रीडिंग स्पीड पे अभी काम नहीं करा तो वैसे भी लास्ट में रीडिंग स्पीड इंप्रूव नहीं हो सकती, जादू से नहीं होती रीडिंग स्पीड इंप्रूव, हमेशा वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके होती है। तो बेस्ट थिंग इज कि अगर आप एडिटोरियल पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर का, वो जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में छोटा आर्टिकल आता है जो उनकी एडिटोरियल टीम खुद देखती है, तो अगर आप एडिटोरियल पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर में, वो यूजुअली लगभग सेम लेंथ का आता है, उसकी वर्ड लिमिट ऑलमोस्ट सेम रहती है हर रोज, तो उसको टाइमर लगा के पढ़ो, उसके लिए एक एवरेज लेंथ होगी 3 मिनट, 3 मिनट बस डिसेंट है, ना ही टू स्लो है ना ही टू फास्ट है। अगर आप 2 या 2.5 मिनट में एडिटोरियल को अच्छे से पढ़ के समझ के खत्म कर सकते हो, समझने से मेरा मतलब है एटलीस्ट आपको 70-75% समझ आ जाए, तो ये बहुत अच्छी स्पीड है। अगर आप 4, 5 या 6 मिनट में कर रहे हो तो ये स्लो स्पीड है, अचीव करो 3 मिनट की स्पीड, तो धीरे धीरे टाइमर लगाओ, 6 मिनट से स्टार्ट करो, कुछ हफ्तों तक इसको अचीव करने के बाद, 1 हफ्ते अचीव करने के बाद फिर 30 सेकंड्स कम कर दो, तो टाइमर लगा के पढ़ो तो आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ेगी और आपके पास एक रिकॉर्ड रहेगा अपनी रीडिंग स्पीड का। एंड फोर्थ, ये जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो, तो अगर आपको लगता है कि आप करंट अफेयर्स और जीके के एनालिसिस वीडियोस देख लोगे, आप इधर उधर से कंपेंडियम्स और मैगजीन्स में से करंट अफेयर्स नोट कर लोगे, तो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। आप जब क्लैट कंसोर्शियम की वेबसाइट खोलोगे, जो कि मैंने आपको फर्स्ट स्टेप बोला था करने को, आप वहां पर देखोगे कि क्लैट ने स्टडी मटेरियल के नाम लिखा है हर जगह न्यूज़पेपर,
तो कुछ सोच के लिखा होगा ना, एंड दैट इज वन थिंग दैट आई विल गिव इट टू क्लाइंट कि वो हर साल ऐसा पेपर बनाते हैं जहाँ पे जो बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं अलग अलग वैरायटी के टॉपिक्स के बारे में पढ़ते हैं उनके स्कोर करने के चांसेस डेफिनेटली हाई है. न्यूज पेपर के साथ साथ लाइव लॉ, लीगली इंडिया, बार एंड बेंच ऐसी कुछ वेबसाइट्स और ब्लॉग्स हैं जिन पे भी लॉ से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज और आर्टिकल्स आते हैं. उनको पढ़ने से हमारी पैसेजेस को पढ़ने और समझने की जो एबिलिटी है वो इम्प्रूव होती है. सो प्लीज रीड द न्यूज पेपर करंट अफेयर्स के लिए तो पढ़ना ही है. एट द सेम टाइम एडिटोरियल पढ़ो, कुछ एडिशनल आर्टिकल्स हैं वो पढ़ो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की केसेस रिलेटेड जितनी न्यूज है उसको पढ़ो. पढ़ने के बाद जरा खुद से कुछ क्वेश्चंस करो कि यू नो एम आई एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, मुझे सब समझ आया, मेरे दिमाग में गया, क्या फ्लैट में ऐसा पैसेज आएगा तो मैं इसको समझ जाऊंगा, यहाँ पे ऑथर क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, एक्सेट्रा. तो अब न्यूज एबिलिटी पे काम करो. तो रैंडम नॉवल्स पढ़ने से बेटर है न्यूज पेपर पढ़ो, एंड एट द सेम टाइम न्यूज पेपर में जो वरीड आर्टिकल्स है वो पढ़ो, प्लस लाइव लॉ, लीगल इंडिया, बार एंड बेंच एंड अदर सच वेबसाइट्स. Now before I move on to the last one, I just want to quickly remind you कि आने के एडमी प्लस पर 20 से भी ज्यादा एजुकेटर्स हैं. आप अपनी मर्जी के एजुकेटर चूज कर सकते हो. मेरे से पढ़ना अच्छा लग रहा है, मेरे से पढ़ो. एक और एजुकेटर से पढ़ना अच्छा लगता है, उनसे भी पढ़ो. हर एक एजुकेटर आपको एक एक सब्जेक्ट पढ़ाएगा. तो लीगल, लॉजिक, मैथ्स, करंट अफेयर सबके एजुकेटर हैं आपके पास, और हर एक सब्जेक्ट में आपके पास ऑप्शन है कि मुझे इससे नहीं इससे पढ़ना है. अनलिमिटेड लाइव क्लासेस क्लासेस को डाउनलोड कर सकते हो, नोट्स डाउनलोड कर सकते हो क्लास के, और उसके साथ डाउट क्लियरिंग सेशन हो, एग्जाम के सारे मॉड्यूल कवर होंगे, और क्लैट के साथ साथ जो दूसरे एग्जाम्स है ना जो तुम सब बैकअप के लिए दोगे, उन एग्जाम्स का भी प्रिपरेशन होगा. प्लस हर बच्चे को स्पेशल अटेंशन मिलेगा, एंड एट द सेम टाइम कोर्सेज जो है वो बहुत ही प्लान्ड और स्ट्रक्चर्ड है. टाइम टेबल फिक्स है कि भाई हर वीकेंड को क्लास होनी है इतने बजे होनी है, हर वीकडे क्लास होनी है इतने बजे होनी है, ऑल ऑफ दैट इज फिक्स. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनी ऑफ दैट. Now, the fifth and the biggest mistake is not giving enough mocks and not practicing enough. एक तो होता है normally practice करना. भाई हमने English पढ़ा, हम उसको practice कर रहे हैं, हमने current affairs पढ़ा, हम उसकी practice कर रहे हैं, quizzes solve कर रहे हैं, good. लेकिन मॉक्स की वैल्यू अलग है. जब हम एक 2 आवर टाइम फ्रेम के अंदर सारे सेक्शंस को एक साथ इकट्ठा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो फिर हम उस प्रेशर में कैसे परफॉर्म करेंगे, कितने क्वेश्चंस गलत करेंगे, कितने सही करेंगे, कितनी सिली मिस्टेक्स करेंगे, कितनी देर तक हमारा कॉन्सेंट्रेशन बना रहेगा, कौन सा सेक्शन जल्दी करने से ज्यादा नंबर आएंगे, हमारे कौन से सेक्शन लेट करने से कम नंबर आएंगे, हमारा पेपर अगर छूट रहा है तो क्यों छूट रहा है, ये सारे जवाब तुम्हें मॉक्स दे देके मिलेंगे. तो आई थिंक अक्टूबर नवंबर से तुम सबको काफी सीरियस हो जाना चाहिए मॉक्स के बारे में, एज मेनी as possible. हर एक मॉक को देने के बाद उसको एनालाइज करो. एनालिसिस कैसे होता है, बस ये नोटिस करो कि मैंने इसमें क्या गलतियां करी हैं जिनको मैं फ्यूचर में इंप्रूव कर सकता हूँ. तो एक लिस्ट बना लो गलतियों की, और नेक्स्ट मॉक में कोशिश करो कि यार इस बार कम से कम एक गलती को तो मैं साइड हटाऊंगा. अगर मैंने आज 5 गलती करी है तो अगले बार में उसमें से एक गलती को रिपीट नहीं करूंगा. और साथ ही साथ अगर आपके पास अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन है, तो सब्सक्रिप्शन वाले स्टूडेंट्स के बाद मॉक्स का एनालिसिस थोड़ी डिटेल में जाता है कि टॉपर के कितने मार्क्स थे, आपके कितने मार्क्स थे, टॉप मिलने कितना टाइम लगाया, आपने कितना टाइम लगाया, एक्सेट्रा. तो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू अगर आप अकेडमी प्लस पर मार्क्स दे रहे हो. एंड कोशिश करो जो लास्ट के कुछ दिन बचे हैं ना एग्जाम में, उसमें तो हमें रोज ही मॉक देने हैं. तो अगर मैं 2022 के बच्चों की बात करूँ, तो आपको दिसंबर के बाद ऑलमोस्ट हर वीक में 3-4 मार्क्स तो देने ही हैं. एंड लास्टली कि आपको ये कोशिश करनी है कि मॉक्स में आपका एवरेज स्कोर थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाए. जब एग्जाम 8 महीने दूर है तो आप 50-60-70 स्कोर कर रहे हो, ठीक है. जब एग्जाम में 4 महीने बचे हैं तो आपको 80 या 90 के ऊपर ही स्कोर करना है. एग्जाम में 2 महीने बचे हैं, आपको हर बार 100 के ऊपर स्कोर करने की कोशिश करनी है. तो आपको अपना टारगेट इस हिसाब से सेट करना है. सो आई थिंक दैट इज ऑल, लाइक दैट इज ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट आई वांटेड टू गिव यू. यू पीपल कैन जॉइन एन अकेडमी प्लस, आई टीच ऑन एन अकेडमी प्लस, एंड मेनी एजुकेटर्स टीच ऑन एन अकेडमी प्लस यूजिंग द कोड एनएलबी लाइव. एंड बहुत सारे बैचेस आ रहे हैं, आई टोल्ड यू अबाउट देम 8 सितंबर को. एंड There's another batch for 2023 that is coming, and price hike होने वाले हैं. तो प्राइस हाइक होने से पहले सब्सक्रिप्शन लेना और एनएलयू लाइव कोड यूज करके 10% डिस्काउंट ले लेना. एंड उसके बाद मुझे बता देना जब भी तुम प्लस क्लासेस में आओगे, मैं तुम्हें टेलीग्राम चैनल पर ऐड कर दूंगी, तो जहाँ पे तुम कॉन्स्टेंटली मुझसे कनेक्टेड रहोगे. सो दैट इज द एंड ऑफ द सेशन गाइस, बाय बाय.